देखिए आज आप लोगों के टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में देखिए आज की टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में आप लोगों के एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गई है। हमने एपिथेलियम में 4 टाइप्स बताया था। उसके बाद सेकेंड थी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी 3 टाइप्स हमने बताया था, स्केलेटन, कार्डिया एंड स्मॉल। ठीक, आज आप लोगों के थर्ड टाइप एनिमल टिश्यू है। थर्ड टाइप आप लोगों के एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो हम ये तीसरी टाइप का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। ये आप लोगों को क्लासिफिकेशन में हम बता रहे थे कि कनेक्टिव टिश्यू आया था जिक्र में। तो पहले जानिए व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव मीन्स वर्ड से ही क्लियर है, कनेक्ट मीन्स संयोजन, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना इसी को कहते हैं कनेक्ट। ठीक, कनेक्ट से कनेक्टिव का फॉर्मेशन हुआ है। कनेक्ट से किसका हुआ है, सहयोगी, उसी को कहते हैं सहयोगी। तो कनेक्ट से किसका फॉर्मेशन हुआ है, किसका निर्माण हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक, तो हम जो थर्ड टाइप की आप लोगों के कनेक्टिव टिश्यू है, सहयोजी ऊतक है, हम उसका जनरल करेक्टर देखेंगे, सामान्य लक्षण। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या है, तो ये है जनरल करेक्टर्स। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, सहयोगी जो ऊतक होते हैं, उनका सामान्य लक्षण क्या है, जनरल करेक्टर में सामान्य लक्षण, उनका सामान्य लक्षण क्या है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्ट मीन्स क्या होता है, तो चीज़ों को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये किस चीज़ का कनेक्शन करते हैं, कनेक्ट क्या करे रहते हैं, कनेक्ट दी किसको करते हैं, स्किन एंड मसल्स। कनेक्ट दी स्किन एंड मसल्स, या ऐसे हम कह सकते हैं द कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू का हमेशा नाम लेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट दी वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। देख लीजिए द कनेक्टिव टिश्यू वेरियस मीन्स क्या होते हैं, विभिन्न, डिफरेंट। वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इनका पहला करेक्टर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का जो जनरल करेक्टर हमने बता रहे हैं, स्टार्टिंग में बता दिया कनेक्ट मीन्स क्या होते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं संयोजक होते हैं या क्या करते हैं, कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरियस मीन्स क्या होते हैं, विभिन्न, पार्ट मीन्स भाग, बॉडी मीन्स शरीर। ये क्या किए रहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के विभिन्न पार्ट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर हुआ है जनरल करेक्टर में, कि अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू, यही आंसर होगा आप लोगों का, द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ ना, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बॉडी के वेरियस पार्ट को क्या करते हैं, वेरियस मीन्स विभिन्न पार्ट को क्या किए रहते हैं, कनेक्ट किए रहते हैं, जोड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल खास आप तक को देखिए, स्किन है, स्किन मसल्स, स्किन मीन्स त्वचा होती है, मसल्स मीन्स पेशियाँ होती है, एंड बोन, ये सबको एक साथ जोड़े रहना, एक साथ जोड़े रहना, एक साथ कनेक्ट किए रहना किसका काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। क्लियर हुआ ना, एक साथ स्किन को, मसल्स को, बोन को, सबको एक साथ जोड़े रहना किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, पहले आप लोगों का पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट पॉइंट है द कनेक्टिव टिश्यू। साथ में जाएगी,
नहीं होती है, डिस्प्लेस नहीं होती है, अपने स्थान से हटती नहीं है, इसको रोकता कौन है? एक कनेक्टिव टिश्यू, वो एक साथ कनेक्ट करके स्किन को, मसल्स को, बोन को, सबको रखता है। ठीक है, किसका फंक्शन होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लोगों को कहने का मतलब है कि सेकेंड पॉइंट है द कनेक्टिव टिश्यू सही होगी उत्तर, प्रीवेंट रोकते हैं डिसप्लेस मीन्स अस्था अंग को, डिसप्लेस आर्गन मतलब आर्गन को अपने स्थान से हटने से, बॉडी मूवमेंट, बॉडी का जब हम मूवमेंट करते हैं, पैर को देखिए, अगर हम पैर ले जाते हैं तो मेरे पैर के साथ सब कुछ जाता है, हैंड इधर उधर करते तो हैंड भी जाता है। तो सेकेंड पॉइंट है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी की मूवमेंट करते समय वो आर्गन को डिसप्लेस होने से, ठीक है, रोकते हैं। क्लियर, आर्गन को डिसप्लेस होने से रोकते हैं। तीसरा है आप लोगों का पॉइंट, तीसरी पॉइंट है द टिश्यू द सेल आर लूजली मीन्स, कहने का मतलब है द सेल आर लूजली प्लेस्ड मीन्स जो सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू ना भी है तो जो टिश्यू होगी वो सेल से बनी होगी, तो जो सेल होती है वो लूज रहती है। क्या रहती है? जो सेल होती है वो लूज रहेगी, और जो लूज रहेगी तो उनके बीच बीच में स्पेस रहेगा। कोई चीज़ टाइट रहता है, टाइट रहता तो स्पेस नहीं होता, लेकिन जब सेल क्या होगी लूज रहेगी, ढीले रहेंगे तो उनके बीच में, उनके बीच में क्या होगा, प्लेस के बीच में, उनके स्थान के बीच में क्या होगी, स्पेस होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंटर सेलुलर स्पेस। सेल आर लूजली प्लेस, सेल के बीच में क्या होते हैं, जो सेल होती है लूज होती है, इसलिए फाउंड इन द इंटर सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक, उनके एक सेल के और दूसरे सेल के बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, खाली स्थान उसी को हम कहते हैं, जब स्पेस होते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान। और जो एक सेल से एक सेल के बीच में, जब एक सेल से एक सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो जो जगह रहती है उसमें मैट्रिक्स भरे रहते हैं। मैट्रिक्स मीन्स पदार्थ, मैट्रिक्स मीन्स क्या होते हैं, पदार्थ। और किसके पदार्थ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के। वो पदार्थ कैसे हो सकते हैं, जेली लाइक हो सकते हैं, जो होते हैं जेली लाइक, तो जो कनेक्टिव टिश्यू में, जो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स
भरे होते हैं वो कैसे होते हैं? जेली लाइक आप लोग जेली टाफी खाए होंगे, जेली जेली टाफी खाए होंगे, जेली के जो मैट्रिक्स होते हैं जेली लाइक होते हैं, जेली के सामान होते हैं, डेंस होते हैं, मेज उसी में धसे रहते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड। तो ये किसके स्ट्रक्चर थे? स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और भी होते हैं कई, इट इज सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ये क्या करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं। इट इज प्रोवाइड दी सपोर्ट टू दी इंटरनल ऑर्गन, टू दी इंटरनल ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन को क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। तो किसका जनरल करेक्टर था? कनेक्टिव टिश्यू का जनरल करेक्टर आप कनेक्टिव टिश्यू। ये है कनेक्टिव टिश्यू का सामान्य लक्षण। अब हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू में संयोजक ऊतक में फर्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, प्रथम कनेक्टिव टिश्यू है, उसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है जो जी ऊतक है, पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा पहला है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एरियोलर फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, दीज आर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज मींस ढीला। सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, में से जो धसे होते हैं। फर्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम देखेंगे, लेकिन जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू जैसे होते हैं, दी जारा टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? डेंडांस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। फर्स्ट है डेंडांस, दूसरा है लिगामेंट्स।
जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दी जा रहा टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है डेंस और सेकंड क्या है लिगामेंट्स। तो हम देखेंगे द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, द डेंस कनेक्टिव टिश्यू दी जा रहा टू टाइप। फर्स्ट है लिगामेंट्स, लिगामेंट्स एंड सेकंड है डेंड्रॉन्स। ठीक है, तो हम अभी ये क्या था पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट टाइप का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है दी जा रहा टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज मीन्स ढीला। दूसरा है सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस मीन्स धसे हुए, जो कि सेल में धसे होते हैं। ठीक, तो द डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इंटू, फर्दर मीन्स होना, फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है लिगामेंट्स, सेकेंड है डेंड्रॉन्स। फर्स्ट है लिगामेंट्स, सेकेंड है डेंड्रॉन्स। ठीक, ये तो हुई एरियोलर के, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे व्हाट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, अक्रेंस एंड फंक्शन। अब हम इसको देखेंगे व्हाट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, अक्रेंस कहाँ पाया जाता है एंड फंक्शन। उनकी एड्रेस देखेंगे, ठीक है, उनको मतलब अदर नेम से क्या जाना जाता है।
माई कहा जाते हैं। कनेक्ट एक का क्या करते हैं तो ये कनेक्ट की जाए रहती है, जोड़ी रहती है स्किन और मसल्स को। स्किन और मसल्स को क्या की रहती है, जोड़े रहती है। ठीक है, सपोर्ट दी इंटरनल आर्गन, इंटरनल आर्गन को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये किसका काम है, लूज कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिंग में। सेकेंड है, देखिए ये करेक्टर है इनका, ये ऐसे फर्स्ट करेक्टर हो गया एंड सेकेंड है कनेक्टिव स्किन एंड मसल्स, त्वचा और पेशियों को क्या की रहती है, जोड़े रहती है। एंड थर्ड है कौन पाई जाती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू।
तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, उपस्थित कहाँ होते हैं, प्रेषित कहाँ होता है? स्किन एंड मसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियाँ और नर्व तंत्रिका में भी होते हैं। ठीक, फंक्शन हमने बताया है सपोर्टिंग पैकिंग एंड बाइंडिंग करती है पूरे टिश्यू को। तो आज की टॉपिक थी कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने बताया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आज की टॉपिक थी कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं एंड कितना। फर्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर एंड टाइप्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें से एरियोलर का फर्स्ट टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने बताया इनका करेक्टर्स क्या होते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक, एंड इनका फंक्शन इनका क्या होता है। हमने बताया कि जैसे एक अगर हम घर बनाते हैं तो खाली अगर ईंटा लगा देंगे तो अगर धक्का देंगे तो गिर जाएगा, ठीक है, इसलिए घर को बनाने में सीमेंट का यूज करते हैं। वैसे जो हमारे बॉडी होती है, जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, पूरे बॉडी बनने में तैयार होने में, तो यूज किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे सीमेंट घर बनाने में यूज करते हैं, वैसे